सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाटा पंच ईवी के बारे में। तो गाइस, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, आजकल टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है हमारे इंडियन कार मार्केट में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें नेक्सन के स्पाई शॉट्स भी अवेलेबल हुए थे उसके फेसलिफ्ट के, एंड अभी रिसेंटली उन्होंने अल्ट्रोस में सीएनजी भी प्रोवाइड कराया है। बाय द वे, आपको पंच में भी काफ़ी जल्द सीएनजी देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंच ईवी के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो रखा था। टाटा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि वो जो 10 कार लॉन्च करने वाले हैं उनमें से एक टाटा पंच ईवी होगी, एंड फाइनली अब हमें उसके काफ़ी क्लियर स्पाई शॉट्स अवेलेबल हो चुके हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रही होंगी। एंड अगर वैसे भी देखा जाए यार, तो जो टाटा नेक्सन है एंड पंच दोनों ही टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं टाटा मोटर्स के अगर देखा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली टाटा नेक्सन ने अपना 5 लाख का प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव किया था, एंड टाटा पंच ने 2 लाख का। तो काफ़ी बढ़िया सेल्स हो रही हैं इन दोनों ही कार्स की, एंड काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है पंच की। एंड आई गेस अगर पंच इलेक्ट्रिक में आ जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स वर्सेटाइल कार बन जाएगी। तो अब अगर बात की जाए टाटा पंच इलेक्ट्रिक के बारे में, तो जैसा कि अभी आप स्पाई शॉट्स में देख सकते हैं, बाहर से आपको कोई भी मेजर डिफरेंसेस नहीं देखने को मिल रहे होंगे इसके डिज़ाइन में। सेम अलॉय व्हील्स ही देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि सारी चीज़ें सेम है। जस्ट जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है वो होने वाले हैं ब्लू एक्सेंट्स, जो कि आपको टाटा की हर इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में, रेयर में, एंड ऑल्सो इंटीरियर में। इंटीरियर में जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं, हमें एसी वेंट्स के आसपास ब्लू एक्सेंट देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके चेंजेस ही आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे। एंड गाइस, अब अगर इसके इंटीरियर के बारे में बात की जाए, तो जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं सारी ही चीज़ें सेम है, वही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है जो कि 7 इंचेस का आता है इसमें। बस जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा वो है गियर लीवर के आसपास। इसमें आपको नेक्सन ईवी की तरह रोटेटरी डायल देखने को मिल रहा होगा टू चेंज द गियर्स। वैसे तो यार स्टिक दे तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट ये भी काफ़ी कूल सा फीचर ही लगता है। एंड ऑल्सो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि अभी आप हमें क्लियरली दिख रहा है। मेजरली यही डिफरेंस है, बाकी आप देखेंगे अगर स्टेयरिंग व्हील या फिर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है इसके पेट्रोल वाले वेरिएंट से, तो कोई भी मेजर चेंजेस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड करना भी नहीं चाहिए यार, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ये कार है। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके रेंज के बारे में, कि हमें इसमें कितनी रेंज देखने को मिल रही होगी। गाइस, ऑल्दो हमें ऑफिशियल फिगर्स अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, बट एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होने वाली है वो 300 किलोमीटर के आसपास ही होगी, 300 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगी। वैसे अगर देखा जाए तो टियागो ईवी की हमें 2 बैटरी पैक्स अवेलेबल होते हैं, एक की 250 किलोमीटर रेंज है एंड दूसरे की है 315 किलोमीटर रेंज। तो आपको जो टाटा पंच ईवी होने वाली उसमें भी आपको 315 किलोमीटर के आसपास ही रेंज देखने को मिल रही होगी। बाकी वो देखने वाली बात होगी कि वो यही सेम टियागो ईवी वाला बैटरी पैक यूज़ करते हैं या फिर कोई उसमें नया देखने को मिलेगा आपको। वैसे अगर देखा जाए इसका जो रियल कॉम्पिटिशन होने वाला है वो होने वाला है सिट्रन EC3 के साथ, जो कि रेंज ऑफर करती है 320 किलोमीटर की। तो नाउ आई गेस आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पंच में भी इसी के आसपास ही रेंज देखने को मिलेगी। बाकी पर्सनल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैक्स टू मैक्स वो 350 किलोमीटर की रेंज ही देने वाले हैं। एंड फाइनली अब अगर बात की जाए प्राइस के बारे में, तो गाइस सिट्रन EC3 का प्राइस स्टार्ट होता है 11.50 लाख रुपीज़ से, जाता है ऑल दी वे 12.76 लाख रुपीज़। बट आपको एक बात याद रखनी होगी कि सिट्रन EC3 का मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें काफ़ी मेजर फीचर्स है जो कि उसमें मिसिंग है, ऐसा पंच के केस में नहीं होने वाला है। एंड गाइस अब अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए, तो जो प्राइस इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख के बीच में ही इसका प्राइस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा होगा। एंड पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 13 लाख के आसपास ही इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है। तो आई गेस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड फाइनली अगर इसके लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए, तो लेट 2023 में आपको इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।